जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 25 गेंदों में 6 चाहिए, नॉकआउट राउंड है, मतलब कि यह है सेमीफिनाल है। और जी हाँ, पहली बार हम लोग यहाँ पे क्राउड के सामने खेल रहे हैं। अभी फाइनल होगा तो आपको असली गेम प्ले देखने को मिलेगा। बाकी हमें 6 रन चाहिए फाइनल में पहुँचने के लिए। और 4 जा रहा है, बिल्कुल सही वक्त पे मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पे रिकॉर्डिंग। 2 और तेज गेंदबाज सामने देख सकते हैं, क्राउड है। अभी आगे के गेम प्ले में क्या बाउंस है, आगे के गेम प्ले में पता लगेगा आपको कि कितना रियलिस्टिक क्राउड ला रहा है, डाला है गेम में। डॉट 6 फुल लेंथ गेंद, लॉन्ग ऑन से छक्का लगाते हुए और 5 विकेट रहते हमने ये राउंड जीत लिया है। तो ये आ गया है हमारा फाइनल, देख सकते हैं स्टेडियम प्रोविंस है यहाँ पे। और कुछ इस तरह का रहा था, मैं 2 मैचेस हार गया था लीग में, पर टोटल 3 जीतने होते हैं तो 3 जीत गया। सेमीफाइनल में एंजेला को हराया और सैरी हल के सामने फाइनल है। तो जैसे प्ले करेंगे, लेकिन एक दिन पहले मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अब आप आगे का हिस्सा जो देखेंगे वो नेक्स्ट डे होगा। उम्मीद करते हैं फर्स्ट टाइम में ही जीत जाएं। नमस्कार, हेलो आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। आज का जो एपिसोड होने वाला है वहाँ पे हम लोग प्रोविंस डिफिकल्टी में, प्रोविंस लेवल पे, आई थिंक डिफिकल्टी तो मीडियम रहने वाली, प्रोविंस लेवल पे हम लोग फाइनल खेलने जा रहे हैं टूर्नामेंट का। द बेस्ट पार्ट ये है कि हमारा ये पहला मैच होगा जहाँ पर हम लोग एक स्टेडियम में खेलने वाले हैं क्राउड के साथ। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं यही दिखाने के लिए हूँ। साथ ही साथ इसके बाद देखना होगा क्या स्टेट लेवल आता है या फिर कोई और नए नाम से कोई नया लेवल आता है। जो भी है, जैसा भी है, लेट्स प्ले भाई। लाइक कर देना सब लोग वीडियो पे, ये एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो आ गए हम लोग हमारे स्क्रीन पे। मैं बता दूं, जो मैंने आगे का हिस्सा जो आपने पिछला देखा वो हमारा एक दिन पहले का था। और एक और बात, मैं कैसे दूरी से तय करता हूँ मेरा जो स्टेडियम है, मैं जो खेलने की जगह है वो कितनी है, तो मैं बता दूं, मैं यहाँ पर राइट साइड में इतनी दूरी रखता हूँ कि मेरा बैट टच ना करे। पीछे ठीक ठाक दूरी है, आई थिंक इतनी काफ़ी है कि मेरा हाथ ये जो ऊपर है वो टच ना हो। बाकी आई थिंक लेफ्ट साइड ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 113 का टारगेट है इस फाइनल को जीतने के लिए, प्रोविंस डिफिकल्टी को पार करने के लिए। ठीक है, तो आ गए हम लोग स्टेडियम में, जो मैं बता था ना नया स्टेडियम। अब देखो भाई, ये स्टेडियम है, यहाँ पर पीछे की तरफ अभी क्राउड है। अभी जब हमारा साइड चेंज होगा तो बॉलर जब यहाँ से करेगा तो आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हो ये पूरा स्टेडियम, देखो कैसा लगता है। यहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी चलती हैं, अभी आएंगी वहाँ पर गाड़ियाँ आएंगी, वो रोड का हिस्सा है तो वो पब्लिक वहाँ पर गाड़ियाँ लेके जाती रहती हैं। कुछ गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हैं, वो देखो वहाँ पर एक गाड़ी आ रही है, वो अभी यहाँ से ऊपर चढ़ेगी आई थिंक, वो देखो चढ़ना शुरू की। और ये होना चाहिए, डायनेमिक क्राउड बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आने वाली अपडेट्स जो मोबाइल की और PC की हैं उसमें ये फीचर हो। फोकस मैच पे, आज सूज भी पहना है हमने भाई। स्क्वायर कट और चौका, स्ट्रेट शॉट। ठीक है, मैं थोड़ा सा फिसलने वाली जगह है तो ध्यान रखना है मुझे कि कुछ होना, ये मैंने नहीं किया लेकिन भाई ये पहले से था। वो मानो या ना मानो मैंने गलती कर दिया, जो मैंने ये सूज पहन लिया है, बहुत फिसल रहे हैं पैर। ठीक है, लेकिन स्ट्रेट शॉट, बॉलर ने टंगड़ी मारी थी बट रोक नहीं पाए 2 से। और ये है मैक्सिमम स्टेडियम के बाहर, पिच खा गए। ओरे 4 मिला है, लेकिन देख सकते हो लक का साथ, इनसाइड एज। इस गेम में भी रूल है, 2 चौके मार दो तो फील्डिंग चेंज ओवर में। गैप में पुल, 4 रन। तेज गेंदबाजों को खेलना काफ़ी आसान है। और क्राउड देख सकते हैं कुछ इस तरह का है, 6 का लोगो है, आग निकल रही है। फील्डिंग फिर से चेंज एक ही ओवर में। पहला टारगेट 6 के रन रेट लाना, बहुत बढ़िया। गैप परफेक्ट तो नहीं था बट ठीक है, थोड़ा मिस फील्डिंग भी हुई है। 4 रन, आ जा बेटे। फेवरेट शॉट, मैं फेवरेट गेंद मेरी सबसे आसानी से हिट हो जाती है, ये भी बाहर। नहीं नहीं नहीं, गिर गए पहले। फुल यूज ऑफ बैट स्विंग, फ्रंट फुट तो ठीक था। 6, अरे यार बैट स्विंग बहुत ज़बरदस्त इस बार बीट। अभी एक बग आ गया है, आप देख सकते हो कंट्रोलर मेरा बीच में आ गया है, तो उसका एक ही तरीका है, मुझे पीछे घूम के जो कंट्रोलर रखा है उसे एक्टिव करना पड़ेगा, तो गायब। अभी बोला है डेवलपर ने अपडेट लाने को, देखो कब आती है।
स्ट्रेट शॉट, ये भी रेस्क्यू वाला शॉट है। जब भी कुछ दिक्कत हो, कुछ समझना है, स्ट्रेट शॉट मारो। अब असली चैलेंज आया है। चार 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 गैप, ठीक है। फील्डिंग सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपको जानना है तो ऊपर देखो, ऊपर सबसे आसानी से पता लगता है। वो देखा इनसाइड एस था, कैच लगा है। 15-9 रन्स और 7 विकेट है, तो 7-8-9 रन पर विकेट, ठीक है। पहले कवर खेलने जा रहा था ऐसे, फिर देखा कि भाई नहीं, ये इधर नहीं आएगा, तो मिड विकेट से 4। फील्डिंग फिर से चेंज, क्योंकि वही नियम है, दो बार। ओ नहीं नहीं नहीं, आउट तो नहीं हो। वाइड ऊंचा चला गया, कहाँ हिट हुआ था, अरे यार आउटसाइड एज फील्डर, लेकिन ओए ड्रॉप और गिर गया है। 4 रन, सही है। 21 पे एक प्लेयर ने मारा, एक 41 पे मारा है। स्कोर कार्ड कुछ ऐसा दिखता है। आउट, कितना खुश है भाई। स्टंप्स को आप गिरा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ आई थिंक दीवार आ रही है। 1-6, बोल्ड बेटे, ये देखो इशारे देखो, कितना अश्लील लौंडा है ये कीपर, वहां गजब बोल्ड हुए भाई। विकेट रिप्ले भाई बनता है, बहुत दिनों बाद मैं रिप्ले दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा है जैसे खेलने गए वैसे ही। और फिर देखो रिएक्शन देखो मेरा, ठीक है। मीडियम पेस सर फास्टर आ चुके हैं, पिटाई चालू इनकी। आई सेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें भी। 4, 2 बैक टू बैक, फील्डिंग चेंज हो सकती है ये देखो। स्ट्रेट बॉलर के सर के ऊपर से 1 रन। ओ नाइस बॉल, ये घुमाया बैट स्विंग, मिड विकेट से 6। आगे जाऊंगे इसके लिए, इनसाइड एज बोल्ड। ये कीपर हुआ का सेलिब्रेशन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है यार। रिप्ले दिखाते हैं, ये देखो वो आगे बढ़ाऊं मैं और इनसाइड एज, ऑफ स्टंप बाहर, विकेट कीपर कहाँ गया। ठीक है, 5 विकेट्स 28 रन। अरे यार की वो कंट्रोलर फिर बंद हो गया। ओह एक्टिव करते हैं, ठीक है। 3 डॉट और विकेट भाई, 4 विकेट बची है, 28 करना है और कहीं ना कहीं टफ बनता हुआ है यहाँ पे। एक देगा ये, 4 मिस फील्डिंग, अरे थ्रो की लेकिन पता नहीं क्या किया, देखते रिप्ले में। मेन देखना है कि वो उसने डीप में क्या किया, ठीक है। नज़र मेरी है इसमें तो भाई दिखा रहा है कि आई थिंक पैर टच हो गया। जैसे बीट हो रहा हूँ भाई मैं, लेग साइड उड़ने वाला है। फिर ऊंचा चला गया, अरे यार हार जाएंगे ऐसे तो। वो अब थोड़ी ना कैच ड्रॉप करेगा, ओ ड्रॉप किया। बॉलर का रिएक्शन देखो, ऐसे करके ऐसे कर रहा है कि क्या कर दिया यार। ठीक है, फाइनल स्क्वायर है खाली थोड़ा, क्विकर, सबसे डेंजर गेंद है मेरे लिए। कॉट एंड बोल्ड, इजी कैच, 3 विकेट 17 रन भाई। एक और स्पिनर, राइट आर्म ऑफ स्पिन, ओ ठीक है। ब्लू मतलब बाहर, डॉट बीट, लास्ट बॉल पे 2 रन सिर्फ, ठीक है। राइट आर्म मीडियम, होप उम्मीद है कि कुछ बदले शॉट। पॉइंट स्क्वायर कट, 1 रन। ओए उछल गई, बॉटम शॉट, अरे बाप रे भाई, मैच सीरियसली लग रहा है कि छूट जाएगा यहां से। राइट आर्म मीडियम भाई, अब मत खेल अग्रेसिव। शॉट, सही वक्त पे 4 आता हुआ। 14 और नहीं, 9 और एज स्लिप डीप में है थर्ड मैन पे।
दिस कुड बी द लास्ट ओवर. वाइट नहीं दी. 7 रन और जीत के लिए. बीट डॉट गेंद है और सबसे अजीब बात कि पूरी तरह से बीट हो रहे हैं हम. अपर एज सर के ऊपर से कीपर के करीब से 1 रन के लिए. क्या ये कैच हो सकता था? घुमाया था मैंने वही पुल. इसमें तो कैरी किया है भाई. रिप्ले में दिक्कत है मतलब. जानबूझकर ग्राउंड शॉट खेलते हुए 2 आएगा मतलब मैच बराबरी पे. एक बात बता दूं, मैच अगर बराबरी पे है और आप अगर आउट हो जाते तो हार गए कि नाते हो. लेफ्ट आर्म मीडियम और कीपर ने ड्रॉप किया है. हम जीत गए हैं लेकिन बता दूं आपको 2 कैचेस ड्रॉप हुए थे और हमारे पास 2 ही विकेट बचे हैं. अगर कैरी हुए होते तो आई थिंक हार जाते. ऊपर से ये सब कैचेस ड्रॉप, 3 कैच ड्रॉप. ऊपर से जो फील्डिंग में थोड़ी बहुत गलतियां थी वो भी भारी पड़ जाती. तो मिले हैं 300 जेम्स, 50 स्टार्स. लैसे मुझे सबसे एक्साइटेड हूँ जानने के लिए अगला है क्या. जोनल आ रहा है, ये लिखा है जोनल. यस, अब जोनल आ रहा है. प्रोविंस बहुत छोटी चीज़ थी मतलब. अब ये क्या है, हम नया बैट भी खरीद देंगे अभी. वेट एंड वॉच. ये शॉप पे ये स्टेडियम्स हैं लेकिन बिल्कुल मेरे आउट ऑफ रीच हैं क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ 3000 है. स्टेडियम की प्राइस तो देख सकते हो आप, 4000 से शुरू होती है. तो बैट की तरफ जा रहे हैं हम लोग. अब बैट में आप देखते हो ना, आई थिंक ये डिज़ाइन मेरे पास नहीं है. ये वाली डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं है. ये कलर तो बिल्कुल नहीं है तो मैं ये बाय कर रहा हूँ. ये बाय कर लिया और ये डिज़ाइन भी बिल्कुल नहीं है, बाय कर रहा हूँ. यहाँ से थोड़े से नहीं, बहुत महंगे बैट आ रहे हैं. ये सबसे महंगे बैट हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5. इनमें से एक बाय करने की इच्छा है और आप होते तो कौन सा बाय करते भाई. ध्यान से देख लो डिज़ाइन. मैं ये वाला बाय कर रहा हूँ बस, मुझे लग रहा है ये अच्छा ही है. ठीक है, पैसे पूरे लुट गए मेरे. सिर्फ बैट बाय करने से नहीं आ जाता, आपको एक बैट सेक्शन है गेम में, वहाँ पर जाके अपने सारे बैट्स का ऑर्डर बदलना पड़ता है. आपको चेंज बैट स्किन पे जाना है. ये बैट नंबर 7 है. आप यहाँ पे जो चाहो वो स्किन लगा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल रेड वाली, और अप्लाई कर देना है. तो 7 नंबर तक आपको ये बैट के ऑप्शन आएंगे. अगला टास्क है रीजियंस पे हिट करना. लेट्स सी. तो ये देखो बैट आ गए हमारे. इस बार 3 ही विकेट हैं टोटल, मतलब 2 ही विकेट्स हैं. तो आप पहले 3 बैट ही चुन सकते हो. तो मैं पहला ये महंगा वाला बैट चुनूंगा और बाकी अपने फेवरेट में से कोई एक. ये देखो भाई, ये 1000 का बैट है. कैसा लग रहा है ये देखो. रीजन दिखाओ. ठीक है, सामने है, हो जाना चाहिए. बैट तो बहुत अजीब लग रहा है देखने में. बाउंसर, ओके, वाइट बॉल है. सब सामने ही है, चाहे एक स्क्वायर भी है. मार लेना था बाउंसर पे. ओ, डिफिकल्टी बढ़ गई क्या? ये टीम का कपड़ा कैसा है? आई थिंक पहली बार खेल रहा हूँ मैं इसके सामने. अरे बैट ही पनौती ऐसा बोल दो. 8 होगा शायद, नहीं 4 ही था. कंप्लीटेड एक, बच गए. बाउंड्री बाउंड्री सामने की तरफ. ओ क्या बाउंसर है, बाउंसर या यॉर्कर. 1 रन, छोटा रन अप, तेज गेंद, राइट आर्म फास्ट, एजेस. अच्छा इधर भी रन है, ओके. ये रीजन तो दिखाई नहीं. स्पिनर आई थिंक ये कैच आउट. लो सोचा था मार लेंगे गली में, फिर से मार सकते हैं. स्विच इट डॉट, फिर से डॉट, फिर से खत्म. मारे ऊंचा खेलना पड़ेगा. कंप्लीटेड. दिक्कत यही है कि यार ये बैट तो सीरियसली लग ही नहीं रहा है इतना अच्छा, बट शॉट नहीं आ रहे. भूत सवार हो गया पॉइंट पे खेलने का. सही है बॉस, लगी तो. कहां जा रही है यार. कोई पीछे हो क्या, कंप्लीट.
एजिस के थ्रू भाई, और मैं खेलना चाहता यहाँ इसी सिस्टम में स्क्वायर पे। सही है किस्मत। फास्टर पे एडवांस। अरे यार उधर नहीं, पर ठीक है लगा बहुत जबरदस्त। चार 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 चार। अरे यार अंधेरा हो रहा है भाई, जल्दी करो नहीं तो अधूरा रह जाएगा ये हिस्सा भी। ऐसे मारना है, ऐसे 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 नहीं। चलो एक रन तो आएगा ही। मिस फील्डिंग कर दी और लक हमारे साथ यहाँ पर। ये भी नेक्स्ट वेव नहीं बनाया, वो देखो अभी वहाँ नेक्स्ट वेव लिखाएगा। आ जा भाई, ये इसके बाद आएगा। आ जा यार अबे इसके। ओ आ गया आ गया आ गया, हो रहा नेक्स्ट वेव भी है यहाँ पर। अब सबसे टफ लोकेशन ये वाली। नॉट बैड, ऐसे इनसाइड में चार गाड़ी का कांच ऊपर से बस निकल गई। ठीक है ये हिस्सा। चार गया कोई मतलब नहीं। एक रन एक रन एक रन। ठीक है एक रन, बढ़िया बढ़िया। हाँ बॉटम फट रही है बैट, अब कितना गंदा बॉटम। मैं प्लेट कर रहा हूँ, हद हो गई। 3x4 के में मतलब भाई इसको। हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा। ये इतनी खुशी भाई टूर्नामेंट जीतने के बाद नहीं मिली। क्या कलेक्ट करेंगे रिवॉर्ड। अभी अभी मुझे पता लगा आई थिंक कि मेरा कैमरा ऑफ हो गया है, पता नहीं कैसे ऑफ हो गया बट हो गया आई थिंक। तो भाई हम लोग यहाँ पर रुकना पड़ेगा। आगे आप देख सकते हैं कि हमें चेज डाउन करना है टारगेट्स को, माइलस्टोन्स के साथ सिंगल डबल करना है। और हाँ ये हमारा जर्नल का हिस्सा है। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, आप कमेंट करके बताना कि मैं इस टूर्नामेंट का नेक्स्ट वीडियो फाइनल वाला लाऊं या फिर एक डिफ़िकल्टी है जिसमें ये देख सकते हैं 0% बैट सील्ड। अभी मैं 0 से 20 के बीच में खेलता हूं, मतलब ये बैट का जो लेंथ है थोड़ा बढ़ जाता है इसमें, सबसे आसान ये वाला है। तो 0% भी खेल सकते हैं हम लोग जो सबसे टफ है, तो कमेंट करके बताना। बाकी मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए रुक रहे हैं यहीं पर। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं हमारी स्ट्रीम में, लाइव स्ट्रीम में। बाय 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 बाय।